एक बंदा सियालकोट से तो मैं अपनी ईमानदारी की वजह से ही पहुंचा पूरे पूरे स्टेडियम खरीद लिया वो बताया क्या शौक था क्या था मेरे कुछ वर्कर्स है उन्होंने मुझसे ना एक रिक्वेस्ट की हमें कुछ ग्राउंड्स बना दें मैंने 86 एकड़ जगह लेके वहाँ पे ना एक बहुत बड़ा क्रिकेट कॉम्प्लेक्स बनाने का सोचा तो ये शाहरुख खान की भी टीम है ये वहाँ पे जो शाहरुख खान है डेफिनेटली उनकी भी टीम है इसके अलावा जो माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ ओ है उनकी भी है Adobe के सीईओ उनकी भी है अट्ठाईस लोग हैं जिन्होंने ये सारा किया उसमें आपकी टीम तो उनमें उन अट्ठाईस लोगों में एक मैं भी हूँ का बंदा नाइन इलेवन से पहले और नाइन अलेवन के बाद फर्क आया था जी काफी फर्क आया था क्या वो हमें बड़ी शक की निगाह से देखते थे कि जो ग्राउंड है उनके जो पिचेस है वो भी डिफरेंट है पाकिस्तान में नंदीपुर

सामेकम जनाब जी वाले क्या हाल है कई अलहमदुल्ल अलहमद लमझ ये नहीं आ रहा एक बंदा सियालकोट से उठ के जो सियालकोट में भी स्ट्रगल कर रहा था और वो उठ के एकदम अमेरिका जाता है और अमेरिका जा कर वो एक नौकरी उसे मिलती है कैशियर की किसी रेस्टोरेंट में और वो कैशियर नोट गिनते गिनते वो अपने नोट गिनने लग गया और वहाँ से अपने ही रेस्टोरेंट बनाना शुरू हो गया ये समझ नहीं आई माशाल्लाह आप ज़रा शेयर करें अपनी कामयाबी की स्टोरी कि ये कैसे आपने इतने सारे रेस्टोरेंट्स के चेन बना लिए और वहाँ की स्ट्रगल कैसे गए सब बताइए तो नाजर भाई ये एक बड़ा लंबा सफ़र रहा है हाँ ये एक बड़ी लंबी दास्तान है टाइम हमारे पास इतना नहीं है छोटी 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 बातें करूँगा आपसे हम नाप नाप के आपका सफ़र तय कर लेंगे तो एटी में जब मैं सियालकोट से गया था तो एक रेस्टोरेंट में एक जॉब शुरू की फिर वहीं से ना थोड़ी सी प्रमोशन कैशियर एज ए कैशियर प्रमोशन होते होते मैनेजर की जॉब मिली फिर एरिया मैनेजर बन गए 92 में के एफ सी जॉइन किया एज एरिया मैनेजर नॉर्दन कैलिफोर्निया सैन फ्रांसिस्को में मैं पूरा फुल इंचार्ज था आ, फिर 1996 में ना फास्ट फूड को बिल्कुल ख़ैर आबाद कह दिया कि आज के बाद वापस नहीं फास्ट फूड में आना तो नाइन्टी में ना एक कोरियर कंपनी में जब काम शुरू किया था हम पार्सल डिलीवरीज़ वगैरह करते थे तो एक दिन ऐसे ही जिस तरह पाकिस्तान में स्टेट बैंक है वहाँ पे फेडरल रिजर्व बैंक है उनके वाइस प्रेसिडेंट से मेरी मुलाकात हुई तो एक छोटा सा वो बड़ा फ्रस्ट्रेटेड था बैंकिंग इंडस्ट्री में जो पाक जो भी मैं जब से भी मैं अमेरिका गया हूँ किसी भी इंडस्ट्री में गया हूँ तो एक स्ट्रेस एक फ्रस्ट्रेशन इस तरह की होती थी तो उस वक़्त जब मेरी उससे मुलाकात हुई तो बैंकिंग इंडस्ट्रीज में काफ़ी इशूज़ थे जो कि प्रोसेसिंग थी पाँच से छः दिन होती थी फिर लोग जो थे पैसे की बड़ी मनीपुलेशन करते थे तो एक छोटा सा आइडिया मेरे जहन में आया कि मैंने उसको दिया कि अगर इस तरीके से हम काम करें तो ये जो आपकी मनीपुलेशन है वो काफ़ी सारी कम हो सकती है जो पाँच दिन की प्रोसेसिंग है हम उसको ना दो दिन में ले आ सकते हैं पहले तो उसको यकीन नहीं आया फिर कहता तुम्हारा इंटरेस्ट क्या है मैंने कहा मेरा इंटरेस्ट ये है कि मैं अपनी कंपनी खोलूँगा और जो है ना इसके साथ अपना तुम्हें तो मैं सर्विस दूंगा तो यहाँ से ना फिर जब उसको मेरा आइडिया बड़ा पसंद आया और उसने बोर्ड को प्रेजेंट किया और एक जो पूरी की पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री थी वही चेंज हो गई प्लान शुरू में ये था कि हम जो प्रोसेसिंग है वो दो दिन में लेके आएंगे लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो हम एक दिन में लेके आ गए इसके बाद नाइन अलेवन हुआ तो पार्ट ऑफ़ आवर जो बिज़नेस था वो हम जहाज़ों पे भी ना चेक्स की मूवमेंट करते थे बैंकों की तो जब चार जो जहाज थे वो गिरे तो उनमें काफ़ी सारे जो चेक्स थे सो देवर ओवर क्लोज टू फोर बिलियन डॉलर्स वर्थ ऑफ चेक्स जो के जिन जो नुकसान हुआ तो उस वक्त डॉट कॉम का भी बूम चल रहा था नई नई टेक्नोलॉजी आ रही थी तो बैंकों ने ना फेडरल रिजर्व को बड़ा पुश करना शुरू कर दिया कि अगर हम किसी तरीके से इसको टेक्नोलॉजी की तरफ लेके जाएं और जो ओरिजिनल चेक्स हैं उनकी हमें ज़रूरत नहीं है जब पाकिस्तान में अभी भी अगर आप जानते ही हैं कि जब बैंक में जाते हैं आपके पास चेक होना चाहिए दस सिग्नेचर करवा लेते हैं आपसे ये वो न तो आ, जिसका चेक होता है उसको भी वो का बहुत तक करते हैं सर वो मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ इधर ना तो इसी चीज़ को लेके जब वो प्रोसेसिंग का अप्रूवल हुआ 2004 में तो मेरे जहन में ना एक चीज़ यही आई कि जितनी जल्दी हो सके मुझे अपनी लाइन चेंज करनी चाहिए क्योंकि ये लाइन जो है एक दिन ख़त्म होने वाली है तो उस वक़्त मेरे जहन में एक ही चीज़ आई थी फास्ट फूड जिस जिसपे मैं पहले काम कर चुका था कि उस पर वापस आए वापस आए और आपने ये नीयत भी की थी कि मैंने नहीं आना ये चीज़ें जो होती हैं ये अल्लाह ताला करता है हाँ। आपको आपकी समझ से कई चीज़ें बाहर होती हैं जैसे कि मैंने पहले जिक्र किया कि जब मैंने 96 में फ़ास्ट फूड छोड़ा था कसम खाई थी कि वापस नहीं आऊँगा लेकिन अब जब आया तो एक डिफरेंट कैपेसिटी में आया आ पहले तो जॉब करता था उनके पास अब जो थी वो फ्रेंचाइज ओनरशिप उनसे ले ली तो 2006 में एक रेस्टोरेंट से आगाज किया और आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते अब चार डिफरेंट स्टेट्स में मेरे रेस्टोरेंट्स हैं किस नाम से केएफसी है टको अच्छा उनकी फ्रेंचाइजेस ली जी उनकी फ्रेंचाइजेस ली हुई हैं तो इस इस तरीके से ना एक बस जर्नी शुरू हुई थी वाह नहीं जो बंदा स्क्रैच से आता है वो वैसे ही अच्छा लगता है प्लेटेनियम कैटेगरी का बंदा होता है जिसने हर तरीके का मौसम देखा हुआ अच्छा नाइन अलेवन की बात आपने की नाइन अलेवन से पहले और नाइन अलेवन के बाद क्या गोरों के रवैयों में फ़र्क आया था आप लोगों के लिए जी काफ़ी फ़र्क आया था लेकिन आ, वो हमें बड़ी शक की नगाह से देखते थे अच्छा। आ, लोगों को इस तरीके से जो हमारे पे स्क्रूटनिटी हुई थी वो यही थी कि हमारे लोगों ने भी कोई अच्छे काम तो नहीं किए थे जो कि मैंने शुरू में बात की थी ईमानदारी की तो अगर आप उस वक्त का जो इरा है 2001 से लेके 2004 तक का देखे काफ़ी सारे हमारे जो देसी कम्युनिटी साउथ एशियन कम्युनिटी है जिसमें पाकिस्तान है इंडिया है, या बंगलादेश है तो काफ़ी इनकी डिपोटेशन भी हुई थी आ, लेकिन ये हुआ था कि उस वक़्त जितने भी लोग ब्राउन थे, जो 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 थे ब्राउन जी नहीं उसमें अरब्स भी शामिल हैं अच्छा उनकी भी स्क्रूटनिटी हुई थी Uh, सभी को एक दफ़ा उन्होंने चेक किया था कि ये आदमी जेन्यून है कि नहीं है सही है यानी कि एक ये समझने कि एक ऐसा वक्त आ गया था कि वहाँ पे उन्होंने ना आ, लोगों को एक क्लीन हाउस किया कि जो लोग अच्छे हैं वो वही रहेंगे जो लोग अच्छे नहीं हैं उनको निकालो यहाँ से तो ये वो दौर था लोग डरे हुए थे लोग घरों से बाहर नहीं निकलते थे अच्छा इस बात पर कितनी सदाकत है हमने सुना है उसामा नाम के बंदे को एंट्री नहीं मिलती थी Nine, 11, नहीं ये ऐसी बात ऐसा नहीं देखिये है। है? वो एक बड़ी सिविलाइज्ड कंट्री uh, है ऐसी बात नहीं है लोगों की ऐसी जो ना वो बातें करने का क्या है हाँ। और आ... किसी ने आगे बिन लादेन लगा लिया तो कुछ भी है अच्छा <laughs> बात ये है कि अगर आप उधर टैक्सी चलाते हैं है। आपको बड़ी अच्छी एग्जाम्पल आप उधर टैक्सी चलाते हैं इधर आके बोले जी मैं तो बड़ा उधर आईटी कंपनी का मालिक हूँ चाहे आप उधर 2000 डॉलर बना रहे हैं इधर आके ना पैसे उड़ा रहे हो वापस जाते हैं तो आपको फिर वही टैक्सी चला रहे हैं तो ये भी एक परसेप्शन है ना कि जो लोग वहां से आते हैं करते वहां पे कुछ है कहते आके इधर कुछ है तो पाकिस्तान में ना एक वो जो एक शोबाजी का शोतेबाजी भाई तो वहां है अमरीका में है कोई मसला थोड़ी है कोई मसला यहाँ पे आ। बड़ी आ। लाइफ बनाई हुई है पाकिस्तान में भाई वहा पिज्जा के लिए प्याज काट रहा है वो स्ट्रगल कर रहा है बेचारा और यहाँ पे यहाँ पे लोग ये समझते हैं जी वहाँ तो द्रख्त लगे हुए हैं जी 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 ऐसा ही है ऐसे ही अच्छा आपने क्रिकेटिंग स्टेडियम भी बनाया क्रिकेट के वो बनाए क्या शौक़ था क्या था मामला क्या था पूरे पूरे स्टेडियम खरीद लिए देखिए एक शौक तो होता ही है जब आप पाकिस्तानी बोर्ड है क्रिकेट खेलते हैं तो जब मैं वापस अमेरिका गया था तो एक क्रिकेट बिल्कुल नहीं खेली तो दो हज़ार में ऐसे ही थोड़ा सा शौक हुआ चलो यार अब सेटल जो हो चुके हैं थोड़ी थोड़ी जो खेलना है वो खेले आ, तो मेरे कुछ वर्कर्स हैं उन्होंने मुझसे ना एक रिक्वेस्ट की कि हमें कुछ ग्राउंड्स बना दें तो वहाँ से ना एक छोटा सा सफ़र का आगाज़ हुआ कि मैंने 86 सिक्स एकड़ जगह ले कर वहाँ पर ना एक बहुत बड़ा क्रिकेट कॉम्प्लेक्स बनाने का सोचा उन्हीं दिनों में जिस तरह यहाँ पर पी एस एल है तो आई सी सी ने अमेरिका को आ, एक क्रिकेट की डिवेलपमेंट में ना एक कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया कि यहाँ पर भी जिस जो ना एक लीग शुरू की जाए जो इस साल जुलाई तेरह को अमेरिका में होने जा रही है तो मेरी कोशिश यही रही कि मैं उसमें जो है ना अपनी एक टीम डालूँ कितने फीसद कामयाब हुआ है मैं 100% परसेंट कामयाब हुआ लेकिन यही है कि वहाँ पे जितने भी ओनर्स हैं जो इन्वेस्टर्स हैं उस लीग में इंडियंस हैं अकेला वहां मैं ही एक पाकिस्तानी हूँ और हाँ। मेरे लिए और यह पाकिस्तान के लिए एक बड़ी फख्र की बात है इंडियंस के बीच में एक पाकि... पाकिस्तानी एक ही होता है काफ़ी होता है बस लगा के आगे रखना है उनको अच्छा ये जो टीम्स आप बता रहे हैं इंडियंस में से बहुत से लोगों की टीम है तो ये शाहरुख खान की भी टीम है ये वहां पे जो शाहरुख खान है डेफिनेटली उनकी भी टीम है इसके अलावा जो माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ ओ है उनकी भी है अडोबी के सीईओ ओ है उनकी भी है गूगल आ, गूगल के जो सी ओ ओ है उनके भी शेयर्स हैं तो अच्छा, इन्होंने अच्छा। ग्रुप पूरा बन के तो अट्ठाईस लोग हैं जिन्होंने ये सारा किया उसमें आपकी टीम उनमें अट्ठाईस लोगों में एक मैं भी हूँ का बंदा आप तस्वूर करें मुझे ना मैं सियालकोट की तरफ मेरा दिमाग अटका हुआ है कि सियालकोट फुटबॉल की फुटबॉल का शहर क्रिकेट के सियालकोट बनते हैं बैट्स वगैरह आप यकीन करें ये फर्स्ट एंड नॉलेज है मुझे आ, मुझे एक बड़े मशहूर क्रिकेटर ने बताया कि सचिन टेंडुलकर ने अपना एक बैट दिया था कि रिपेयर करा लेना यार सियालकोट से कि यहाँ पर इतना ज़बरदस्त टेक्निक्स हैं और चीज़ों को बड़ा मेनटेन रखते हैं तो वाह और वो इसमें कितने खर्चा आया तो है, में बोले है। सर, ना लो. तो उसमें ये था कि जब मेरा उस वक्त एक विजन था कि अगर किसी तरीके से पाकिस्तान की जो पी एस एल टीम है वो वहां पर जाए अच्छा? ताकि मैं एक कॉम्पिटिशन करवाऊ उधर इस तरीके से प्लस एक पाकिस्तान का नाम भी रोशन हो लेकिन पॉसिबल है अभी भी है थोड़े थोड़ा सा लेट हो गया लेकिन मसला सबसे बड़ा ये है कि जो हमारे जो टीम हैं इधर या जो भी ओनर्स हैं ना उनका एक विजन नहीं है उनके सिर्फ ये है कि अच्छा भाई आज की बात करो और अभी की बात करो आपका तो दोस्त है ना मीज राजा साहब उनको नहीं बोला था आपने ये उनको बोला था लेकिन ए? उनका कोई अख्तियार तो नहीं है ना पी एस एल नहीं है नहीं उस वक्त भी नहीं है अगर अभी नजम सेडी साहब की अगर बात करें मैं उनसे जाके बात भी करता हूँ उनका कोई तो कंट्रोल नहीं है ये तो पी के जो ओनर्स हैं फ्रेंचाइजीज़ हैं उन पे डिपेंड करता है कि उन्होंने क्या करना है आया वो उधर अमेरिका में जाना चाहते हैं कि नहीं जाना चाहते अगर आप आई को देखें इंडियंस को देखें वो एक ग्लोबल ब्रांड बना रहे हैं जी लेकिन पाकिस्तान जो है पाकिस्तानी जो है ना वो उधर के उधर ही बैठे हुए हैं मैंने ये चीज़ 2018 में महसूस कर ली थी और इसी चीज़ को लेके बड़ी मैंने कोशिश की कि किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई पी एस एल की टीम जो है ना वो मेरे साथ जुड़ जाए ना सिर्फ के पी एस एल का नाम रोशन हो मेरे को भी एक नई मोटिवेशन मिले कि जब मैं उधर खड़ा हूँ तो एक पाकिस्तानी और भी एक पूरा ग्रुप खड़ा हो आपके साथ आपकी नेक नियति है तो दूसरा ये है कि अगर आप देखें तो पाकिस्तानी प्लेयर्स भी तो जाएंगे अभी जब ये लीग हमारी शुरू हो रही है उसमें शादाब खान हाँ। इमाद वसीम और क्या नाम उनका हारिस रऊफ के भी जाने के इम्कान हैं आज़म खान इन तीन लड़कों के कॉन्ट्रैक्ट्स ऑलरेडी हो चुके हैं इसके अलावा जो पाकिस्तानी एक्स प्लेयर्स हैं हमाद आज़म हैं समी असलम हैं ये इस तरह के प्लेयर जो है ना वहाँ पर अभी खेल रहे हैं सही अच्छा आप अमेरिका ह्यूस्टन होते हैं जी तो अब वहाँ से आप फ्लाइट लेके आ रहे हैं कराची क्या आपको चेंजेस दिख रही है कराची थोड़ा अपग्रेडेड हो रहा है या नीचे जा रहा है बदहाली की तरफ जा रहा है क्या मामलात है आपका क्या फीडबैक मैं जब आ, अमेरिका गया था नाइनटीन एटी एट में तो उस वक्त कराची आया था यकीन करें उस वक्त ना एक बड़ा हैपनिंग सा एक वाइब्रेंट सा सिटी लगा था अब जब भी कराची आता हूँ तो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा वो नीचे ही जा रहा है अल्लाह हो दुनिया आगे निकल रही है और इस चीज़ का दुख भी होता है कि अगर है? हमारा अपना मुल्क है सर कराची को गरीब की माँ बोला जाता था कराची ने सबको पाला है कराची को कचराची बना दिया इन्होंने इतना कचरा इतना कचरा तसवर करें कि पूरे पूरे मैं ऐसे मैं गवाह हूँ विक्टम हूँ कि मैं ऐसे ऐसे एरियाज़ को जानता हूँ कराची को मैं जो कचरे की वजह से तबाह होगा देखिए मैं ये नहीं कहूँगा कि कचरा कहीं नहीं है अब कि सिस्टम है ना एक निज़ाम है दुनिया में भी सिस्टम्स ठीक है निज़ाम है लेकिन हमें शा नहीं है शा नहीं है जिस चीज़ की कमी है ना हमारे कल्चर में हमारे माशरे में वो शा की कमी है बच्चे स्कूल जाते हैं क्या उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि सफाई कैसे रखनी है नहीं दी जाती है उनको बीस किलो की ना बुक्स और कापीज़ दे दी जाती हैं छः साल का बच्चा है उस बेचारे ने क्या करना है मैं तो ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं मैं तो पहले बोल चुका हूँ कि हमारी यूनिवर्सिटी प्रोड्यूस कर रही है देखिए तो बच्चे की, की ना, बच्चे की जो बुनियाद है पाँच छः साल का बच्चा है उसको आप उसको दिलचस्पी तो होनी चाहिए कि स्कूल जा रहा है एग्जैक्टली exactly. बाहर क्या डेवेलप कोई भी कंट्री चाहे वो अमेरिका है चाहे यूरोप है बच्चा पहले दिन स्कूल जाता है उसको कहते हैं अच्छा भाई बच्चे क्या करना है कलर्स दे देते हैं कागज़ पेंसिल दे दी जो लकीरें मारनी है मारो काटना शुरू कर दो बच्चा थक गया चल तू लेट जा एक इंटरेस्ट इंट्रे, डेवलप करते हैं तीन चार महीने उन्होंने कुछ उनको पढ़ाना नहीं है सिर्फ एक शऊर पैदा करना है कि स्कूल में तुम आ रहे हो ये एक तुम्हारा स्कूल है ट्रेनिंग सेंटर है बेसिकली तो इस तरीके से बच्चे का इंटरेस्ट पैदा मैं हो समझता तर... तनवीर साहब ट्रेनिंग सेंटर में ना बच्चों की जगह ना बड़ों को डालना चाहिए हमारे हमारे को ट्रेनिंग की जरूरत है हमारे लोगों को डेफिनेटली जरूरत है समझ रहे हैं बात को दुनिया जहान की वॉयेशन यही होती है और बाहसीत कौम हम हजूम से बन गए कौम नहीं बन चलो मैं आपको एक मजे के क्वेश्चन मैं ही कर देता हूँ बच्चा उधर स्कूल छः सात साल का आके अगर आपको बोले कि आपने एक कचरा जो है डब्बे में नहीं डाला बाहर डाला है और आपको बोले कि डैडी ये आपने बाहर क्यों डाला इसको खुद उठा के अंदर पहन के क्या ये मुमकिन है पाकिस्तान में नहीं नहीं बच्चे को तो चमाट पड़ चुका होगा इतनी देर में यही बात है यही जो शुरू है ना जबान चला रहा है बाप को देख रहा है मैं ये समझता हूँ बाप अगर बच्चे को मोटर बाइक पे आगे बिठा के ट्रैफिक की वायलेशन कर रहा है और वो ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि मेरा बच्चा बड़े होकर ट्रैफिक की पासदारी करे तो फर्क है ना देखे हर चीज़ जो बुनियादी होती है ना वो आपके तो आप ही मार रहे हैं झूठ बोलना आप सिखा रहे हैं बच्चा जो आप बोलते हो वो नहीं करता जो आप करते हो वो करता है डिफरेंस okay. बिटवीन बच्चे ना? के दो लर्निंग सेंटर्स होते हैं एक माँ बाप माँ बाप तो दूसरे ठीक असाथ। तो अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में ना वो दोनों चीजें ही जो है बच्चों को वो जो सलाहियत बच्चे में डेवलप होनी चाहिए वो नहीं हो पाती नहीं हो है। जो शाऊ डेवलप होना चाहिए वो नहीं हो पाता नहीं हो। और शायद यही वजह है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज है वो आगे हैं अब देखें अगर इस्लाम में कहते हैं जी सफाई न सिर्फ़मान है जगह जगह लिखा हुआ सफाई न सफ़ जैसे आपने भी जिक्र किया कचरा ही कचरा भरा हुआ है बाहर जाए कहीं पे नहीं लिखा हुआ कि जी सफाई मैं लेकिन उन्होंने ये चीज़ें इस्लाम की अडॉप्ट की हुई जी की हुई जर्मनी में उम्र लॉ है और ये बात है ऐसी और दूसरी चीज़ मैं ऐसे ऐसे ममालिक में गया हूँ जो फाइनेशली पाकिस्तान से भी कमज़ोर है लेकिन सफाई का निज़ाम देखा है मैंने वहाँ वहाँ पर रोड और एक मामला देखे तो गुरबत और गंदगी में फ़र्क है अगर आप गरीब हैं इसका हरगिज़ मकसद नहीं है कि आप गंदे भी हैं आप गंदे हैं और आप गरीब हैं आप पाकिस्तान में मतलब पाकिस्तानी हैं मैं एक छोटा सा कंट्री है डोमिनिकन रिपब्लिक अमेरिका के दो दो या ढाई घंटे की ना फ्लोरिडा से मियामी से फ्लाइट है छोटा सा आइलैंड है वो बड़ा गरीब कंट्री है उसके साथ एक और छोटा सा कंट्री है हेटी काफ़ी सारे फ्लड्स वगैरह भी उधर आते रहते हैं आप यकीन करें कि लोग आप वहाँ पे जाएंगे आपको सफाई मिलेगी वाह मुझे दुख ये होता है कि यहाँ पे जब पाकिस्तान में आते हैं तो आपको वो सफाई नहीं मिलती है लेकिन हम और हमारे मजहब में हमारे मज़हब में हमारे मज़हब में वाह अच्छा आपने फ्लड की बात की तो माशाल्लाह आप आगे आगे पाकिस्तान के जितने भी डिज़ास्टर हैं या कोई फ्लड का मामला है जलजिला है कोई भी मामला होते हैं आप आगे आगे होते हैं बल्कि आपके बहुत सारे दोस्तों का सर्कल भी आप ले आते हैं और पाकिस्तान की बड़ी मदद करते हैं ये क्या मोटिवेशन है ये क्या मामला हैं इसका भी बताएं ज़रा ये मतलब पैसा आ गया है आज आप ना दें आज आप कहीं भी दें लेकिन आप पाकिस्तान को याद रखे हुए वो ज़रा देखिए कोई भी अगर आप मुहबल वतन है आप में थोड़ी सी पेट्रियाज़म है तो उस मुल्क का आपके ऊपर कुछ ना कुछ कर्ज होता है चाहे आप वो पाकिस्तान में रह रहे हैं या किसी भी मुल्क में हैं तो बीइंग ए पाकिस्तानी मैं अगर उधर गया हूँ तो मेरा भी तो इस मुल्क पे थोड़ा सा कोई कर्ज़ है तो जो हो सकता है वो करते हैं अब जब फ्लड का ये डिज़ास्टर हुआ था तो मैं उस वक़्त पाकिस्तान में था तो यहाँ से मैंने वो कांग्रेस वूमे जो पाकिस्तान कागज़ की चेयरपर्सन भी हैं उनसे रिक्वेस्ट की कि गवर्नमेंट लेवल पे अगर कुछ पाकिस्तान की हेल्प हो सके तो उन्होंने मेरी वो रिक्वेस्ट मानी मुझे एकदम पाकिस्तान से वापस बुलाया मैं गया अगले दिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस uh, करके थर्टी मिलियन डॉलर्स का अनाउंस कर दिया और उसी दिन हम दोबारा फ्लाइट लेके फिर पाकिस्तान आ गए दो दिन इधर रहे uh, सारा उन्होंने किया जब सारा सर्वे किया दोबारा उनसे रिक्वेस्ट की कि ये थर्टी मिलियन डॉलर्स जो है ना कुछ इतनी ज़्यादा बड़ी रकम नहीं है जिस तरीके का इधर नुकसान हुआ है तो जाके दोबारा उन्होंने बीस मिलियन डॉलर की और एड दी प्लस थ्री हंड्रेड थाउजेंड टेंट्स दिए इन चीज़ों को अगर देखा जाए तो फिर इसके अलावा ये मैं अकेला नहीं था कुछ न्यूयॉर्क में भी हमारे दोस्त हैं उन्होंने भी काफ़ी सारी हेल्प की तो कतरे कतरे से दरिया बनिया बनता है।, बनता है वाँ वाँ। तो अगर आज तक अगर हम देखें तो हंड्रेड एंड टेन मिलियन डॉलर्स की अभी तक अमेरिका से पाकिस्तान में ये फ्लड विक्टम्स के लिए एड आ चुकी है वाह अच्छा वज़ी अल के खेल के मुशीर भी रहे आप तो ये अहदा कैसे मिला ये आ, मेरी परवेज आई साहब से आ, मुलाकात हुई थी तो जैसे कि हम क्रिकेट की बात कर रहे हैं तो मैंने उनको भी यही आ, अपनी ख्वाहिश जाहिर की थी कि किस तरीके से हम एक जो यूथ डेवलपमेंट का जो एक प्रोग्राम हमें बनाना चाहिए ताकि हम प्लेयर्स एक्सचेंज भी कर सकें तो जो पाकिस्तान से प्लेयर्स हैं वो अमेरिका जाएँ अमेरिका से पाकिस्तान आए तो उनको तो ये बात अच्छी लगी ये उनको एक बड़ी चीज़ अच्छी लगी मैंने कहा यहीं आ जाओ मशोरा ही देना आ जाओ तो इधर आओ इधर आके ना कुछ अगर डेवलप कर सकते हैं इस चीज़ को लेके बट अनफॉर्चुनेटली फिर उनकी गवर्नमेंट इतनी नहीं रही तो जो मैं चीज़ें करना चाह रहा था वो नहीं कर पाया नहीं आपकी तो खैर विजन भी अलग है और आपका मुझे ये पता चला है कि जो ग्राउंड है उनके जो पिचेस हैं वो भी डिफरेंट है वो क्या मामला देखिए वो एक अगर आपने पिच बनानी है ना तो उसकी एक साइंस है जिस तरीके से अगर आपने सुना होगा कि जी पाकिस्तान में नंदीपुर की मिट्टी जो है नंदीपुर की नंदीपुर अच्छा। ये सियालकोट और वाला के दरमियान एक छोटा सा शहर है वहाँ की जो मिट्टी है ना वो बड़ी अच्छी है और अगर आप देखें तो दुबई में या शारजहा में जो भी पिचज़ बनी हैं तो वो पाकिस्तान में से ही मिट्टी गई है तो इस मिट्टी में अगर देखा जाए तो मैंने ना इसकी बड़ी स्टडी की एक टीम बनाई टीम को ऑस्ट्रेलिया भी भेजा इंग्लैंड वेस्ट इंडीज़ पाकिस्तान से मैं खुद ले गया इंडिया भी भेजा तो वहाँ से जो हमने मिट्टी के सैंपल्स थे वो लेके गए उसको फिर लैब में सारा टेस्ट करवाया टेस्ट करवाने के बाद हमें उसका पता चला कि डिफरेंट कंट्रीज़ की जो डिफरेंट मिट्टी है उसमें क्ले कॉन्टेंट्स वो कितना है क्ले कॉन्टेंट्स ये होता है कि जो आप जब घास आप उसमें उगाते हैं तो घास को वो पकड़ के रखती है अगर आप क्रिकेट के शकीन हैं देखते हैं तो देखा होगा कि कई दफा ना स्पेशली पाकिस्तान या इंडिया की पिचिस पे जब बाल आप फेंकते हैं तो मिट्टी उड़ रही होती है मिट्टी उड़ रही होती है ठीक है अगर आप ऑस्ट्रेलिया है इंग्लैंड है या न्यूजीलैंड या साउथ अफ्रीका वहाँ नहीं होती क्योंकि वहाँ पे क्ले कॉन्टेंट ज्यादा होता है अच्छा इसी चीज को लेके ना हमने नंदीपुर जा रही है। नहीं वहाँ पर नहीं जा रही नंदीपुर की मिट्टी में तकरीबन कोई क्ले होता है तो हमने ना इसको रिफाइन करके 85 पे ले थे। और जो ये, मैं आपकी बात रहा हूं, जो इस पाकिस्तान की है, कराची नेशनल स्टेडियम, गदाफी स्टेडियम पिंडी ये कौन सी मिट्टी है ये मोस्टली मिट्टी जो है ना ये जो पाकिस्तान में इस्तेमाल होती है वो नंदीपुर से ही आती है ये नंदीपुर वाली मिट्टी हो रही है तो ये कौन सी आम मिट्टी होती है या कोई खेत की मिट्टी है या गीली मिट्टी है ये देखिए जो मोस्टली जो मिट्टी जो यूज करते हैं जिस तरह के कपास के खेत है ना कपास है। हर जगह नहीं उग सकती है सही है तो ये भी एक एक साइंस है आपको आ, आ, मैं आ, वही, वही, वही समझना चाह रहा हूँ तो अगर ज्यादा आपने अच्छी मिट्टी लेनी है तो जहाँ पे ज्यादा कपास उगती है वो मिट्टी आपके लिए ना बड़ी अच्छी होती है जहाँ पे ये समझ लें कि जब बाल पिच होता है तो वो एक गिरदो गुबार नहीं उड़ता तो उस उस चीज को लेके ना हम कोशिश करते फिर उसमें बाउंस अच्छा आता है आपका बाउंस अच्छा अगर आप देखिए पाकिस्तान की जो पिचीज हैं उनमें बाउंस थोड़ा कम होता है हमारे प्लेयर जब बाहर जाते हैं खासकर ऑस्ट्रेलिया जाते yes. हैं न्यूजीलैंड जाते हैं वो बाउंसी ट्रैक होते हैं है। उसमें पेस ज्यादा आती है और उसकी वजह यही होती है कि जो वो मिट्टी है वो थोड़ी सी हार्ड होती है और ग्रेसी पिचिस बनती हैं जो कि हमारे मुल्क में नहीं है अभी जब पी हो रहा था आपने देखा होगा पाकिस्तान की इंडिया की पिचेस कंपैरिजन अगर करूं मैं आप क्रिकेट के एक्सपर्ट हैं तो किसकी पिचेस अच्छी है मेरे ख्याल में पाकिस्तान की थोड़ी अच्छी हैं इंडिया पाकिस्तान से पाकिस्तान की अच्छी, जी, अच्छी है जी डेफिनेटली अच्छी हैं उसकी काफी सारी वजहों आती है अभी ये अगर, पिंडी की पिच वैसे एक्सपोज नहीं हुई है यार ये वो देखिए अब इंडिया की भी हुई है कौन सी मुझे याद नहीं आ रहा शायद बेंगलोर की थी हां तो वो भी एक्सपोज हुई है उनको भी उनके भी पॉइंट्स डिडक्ट हुए हैं जिस तरह पिंडी के डिडक्ट हुए थे हाँ पिंडी तो बोल रहे हैं अभी कुछ क्रिकेटर दोस्त आए बोल रहे यार जो हल्का सा भी बल्ला लग रहा है ये सिल्ले पे आओ चौका ये यहाँ से चौका ऊपर से गई तो छक्का देखिए पिच में अगर आपने थोड़ी सी जान रखनी है ना आज कल अगर देखें आपने मैच देखना है आपने बॉलर को नहीं देखना वो एक इरा था नाइनटीन का नाइनटीज़ का जहाँ पे बॉलर्स को देखने जाते थे कि इसकी स्पीड क्या है आज बैटिंग का दौर है तो लोग जो है ना मैं ब्लेम नहीं करूँगा किसी को जो पिंडी की है या बेंगलोर की जो पिच है लोग बैटिंग देखने जाते हैं उन्होंने स्कोर देखना है लेकिन इतना थोड़ी सी बॉलर के लिए बना दें कि उसमें बॉलर के लिए भी थोड़ा सा हो तो एक फिर जो है ना उसका कंपटीशन अच्छा होता है बैट का और बॉल का अच्छा आप सियासत में भी काफ़ी एक्टिव है आप बहुत सारे हम न्यूज़ में भी वीपर्स देख रहे होते हैं आपके आप बड़ा एक्टिव हैं चीज़ों में अवेयर तो आप ये बताइए पाकिस्तान में इन फ्यूचर कोई सियासी पार्टी जॉइन करने का भी इरादा है क्योंकि मैंने इमरान खान के साथ भी आपकी तस्वीर देखी है और भी दूसरी जमात के सरबराहान के साथ भी देखी है तो मैं कन्फ्यूज हूँ कि ये बंदा है कहाँ का देखिए मैं मे, मैं सबसे पहले मैं पाकिस्तान है हाँ जी इसके बाद कोई पार्टी है मैं तो अमेरिकन सिटीजन हूँ तो अगर मैंने कुछ करना है सियासत में तो मेरी कोशिश यही होगी कि मैं अमेरिका में करूं लेकिन अच्छा। हमारी जड़ें यहाँ पे हैं, दिल यहाँ पे है तो कोशिश यही रहती है चाहे वो कोई भी पार्टी है पीटीआई है पीपल्स पार्टी है चाहे वो नून लीग है अगर हम पाकिस्तान के लिए कुछ कर सकें तो वही कोशिश रहती है कि पाकिस्तान के लिए कुछ करना नहीं नहीं आप अमरीक आप पाकिस्तान से गए पाकिस्तान आपसे नहीं गया बस यही यही ये बात और है मेरी सोच यही है कि काश जितने भी पाकिस्तान से लोग गए हैं उनकी सोच यही रहे अच्छा तनवीर साहब एक नज़र में देख रहा हूँ ना तो एक नज़र में ना आमिर सुहेल से भी रिजम्बलेंस दे रहे हैं आप क्रिकेटर जो है ना आमिर सुहेल एकदम लग रहे हैं आप अच्छा ये आज मैंने आपको कह दिया ठीक है एक बात बताए अमेरिका की टीम नहीं नजर आती क्रिकेट में मतलब वो सीरियस नहीं ले रहे क्रिकेट को क्या मामला है कोई आईसीसी के अम्ब्रैला तले वो किसी यूनिट्स में नज़र नहीं आती देखिए अमेरिका में जो स्पोर्ट्स क्रिकेट जो है ना वो एक सेकेंडरी स्पोर्ट्स भी नहीं है वो एक थर्ड लेवल पे एक स्पोर्ट्स आती है जो कि सिर्फ साउथ एशियन कंट्रीज हैं वही खेलते हैं हालांकि अगर आप हिस्ट्री देखें तो अमेरिका में जो पहला मैच था वो शायद सत्रह में अमेरिका और कैनेडा के दरमियान खेला गया था लेकिन क्रिकेट की डिवेलपमेंट जिस तरीके से दुनिया में हो रही है अमेरिका में अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो सकती नहीं हो रही है तो 2018 में वो क्रिकेटर को भी सॉरी बेसबॉल प्लेयर समझते दो बिल्कुल सही है क्योंकि उनका रुझान नहीं है इतना बड़ा मुल्क है तो वहाँ तो के बैट खेल हम खेलते हैं तो उनको उनका तस्वर तो यही होता है कि ये पकड़ते ही यूँ है बेस की तरह ना लेकिन अगर आप देखें अभी तो जब इंग्लैंड की सीरीज पाकिस्तान में हुई थी तो वो बेसबॉल ही कर रहे थे तो जो आज की जो जो क्रिकेट जा रही है वो बेसबॉल हो गई तो वो बेसबॉल हो रही है तो आईसीसी ने खैर जो आपने बात की जो आईसीसी ने जो बेड़ा उठाया कि अमेरिका में क्रिकेट डेवलप करनी है और जो हमारी लीग शुरू होने जा रही है तो ये एक पहला स्टेप अब अमेरिका की क्रिकेट टीम भी बन चुकी है वो एक सेकेंड ईयर में नेक्स्ट ईयर अमेरिका में टी का वर्ल्ड कप हो रहा है जो कि वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका में दोनों में खेला जाएगा तो बीग होस्ट अमेरिका ऑटोमेटिकली क्वालिफाई कर गया वर्ल्ड कप के लिए

हाँ। तो काफी सारे रेफ्यूजी थे वो वहां पे गए थे आ, तो वहां पे उस वक्त भी एक ऐसा परसेप्शन आ गया था कि कोई इनको अच्छा नहीं समझ रहा था तो मैंने आगे बढ़कर उस वक्त भी उनकी काफी हेल्प की थी अच्छा ये नहीं सोचा था कि ये अफगानी है नहीं टीम तो को चला टीम तो बहुत अच्छी है देखिए पाकिस्तान को मार गई दुबई में नहीं उसमें हमारे कुछ अपने फॉल्ट एक ब्लंटली बोलूंगा अपने फॉल्ट उस शहर के लोग भी सानू शौक भी थी ऐसा ही है ऐसा ही है जाहिर है जाहिर है? है अभी साई मयूब आए थे मेरी पॉडकास्ट पे तो उन्होंने भी ये बोला कि कमी सीनियर्स की महसूस हुई जाहिर है हम बहुत जल्दी बहुत जल्दी एक तो एक होता है अप्रिशिएट करना एक होता है अबू बना लेना हम अबू बना लेते हैं दो चार छक्के मार दिए ना किसी ने तो हम बोलते हैं भाई इसको फटाफट निकालो पीएसएल से और ठोको पाकिस्तानी टीम में नहीं, वो सही भी है और सही नहीं भी लेकिन है। प्रेशर है ना एक डिफरेंट गेम है हमें चाहिए कि उन प्लेयर्स को बैक जरूर करें लेकिन टाइम तो दे उन्हें टाइम तो ग्रूमिंग अच्छी, हो, अच्छी होनी चाहिए हाँ, लेकिन हमारा सिस्टम ही नहीं है आप पाकिस्तान में किसी चीज को भी देख लें किसमें सिस्टम है आपका इसमें दो नंबरी में एक प्रॉपर सिस्टम है दो नंबरी के सारे मामला ऐसे एक नंबर तरीके से चल रहे हैं So मैं आपको बताऊं दो नंबर ही में तो आप एक नंबर है एक नंबर है ना ये <laughs> माने आप यकीन करें मैं खुद गवाऊँ जापान में एक मशीन थी तो वो उसमें आप पैर डालेंगे तो जूता पॉलिश हो जाएगा तो अब जब दूसरा पैर डालेंगे तो उसके लिए क्वाइन वगैरह मांगता है तो वो लोग पाकिस्तानी कुछ ऐसी हरकतें वो बता रहे हैं कि की है कि एक जगह से एक जूता साफ करवा लिया दूसरी मशीन से दूसरा जूता साफ करा लिया निकल गया कोइन ही नहीं, नहीं डालना हरकतें दे देखे और एक कोइन ये यूरोप का वाक़ है कि कॉइन डाल के वो बूथ लगे हुए होते हैं वाशरूम्स के तो कॉइन डाल के गेट खोल लिया अब कोई पाकिस्तानी था वो बस रुकी हमारी अब उसने जूता फंसा लिया जा, 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 जा। एक कोइन में सौ लोगों को मुतवा दिया और ये सिर्फ हम ही कर सकते ये हम ही कर सकते हैं आप ये देखें वो गोरा खड़ा हुआ तपरा क्या मारे मुल्क का कानून तोड़ रहा है ब्राउन आके नहीं देखें ये फिर बात वही आ जाती है शाह की ना हाँ। हमारी जो एजुकेशन है हमारी जो तरबियत है वही हम इस तरह की नहीं होती है तनवीर साहब हम चिटिंग ढूंढते हैं तलाश करते हैं कहाँ कर सकते हैं टाप हम यहाँ पे बड़े अच्छे अच्छे लफ्ज बोलते हैं टाप यार टाप लग गया तेरे भाई का अब यही चीज को अगर हम थोड़ा सा देखें कि हम अगर ढूंढते हैं लेकिन हमारा जो जहन इतना काम करता है यकीन करें गोरो का इतना जहन काम नहीं करता यकीन करें इसी जहन को अगर हम सही तरीके का इस्तेमाल करें सही तरीके पॉजिटिवली इस्तेमाल करें तो कहाँ जा सकते वाह 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 आप देखें एक कामयाब आदमी है देखें काला आदमी गोरा रंग करने वाली क्रीम बेचेगा ना तो कोई नहीं खरीदेगा आप माशाल्लाह एक कामयाब आदमी है तो आपकी बात सुनी जाएगी इस टाइम पाकिस्तान का नौजवान बेरोजगार है टैलेंटेड है बेरोजगार है सेहतमंद है बेरोज़गार है और अगर कोई काम भी कर रहा है तो ऐसी बाइकिया और दूसरी कोई ऐसी सर्विसेज फूड पांडा में और कर रहा है जो मुनासिब नहीं है बहुत बड़े बड़े लि लिखे लोग आप क्या मशवरा देंगे मैं आपके फाइनल पॉइंट्स जानना चाह रहा हूँ कि आप क्या मशवरा देंगे हमारी पाकिस्तानी नौजवान के लिए कि क्या करें मुल्क छोड़ दें यह हल है या पाकिस्तान में क्या करें देखिए मुल्क छोड़ना या ना छोड़ना एक डिफरेंट टॉपिक है मेरा जो सबसे बड़ा मैसेज है वो यही है ईमानदारी ईमानदारी से आप काम करें और रिज़ल्ट की तो ना रखें लेकिन उस पर डटे रहें आपने आपको एक अपने आप से एक कमिटमेंट करें उस पर डेडिकेट होकर ना चलते रहें जब तक आप ये सोचेंगे नहीं कि मैंने ईमानदारी से चलना है आप आगे नहीं बढ़ सकते एक शॉर्ट टर्म तो ना सोचें आप वाह तो अगर आपने लॉन्ग टर्म जाना है तो ईमानदारी से चलते रहेंगे अदरवाइज यही होगा कि आपने एक ठीक है जी फ़र्ज करें जी मेरा आपसे कोई काम है मैंने आपको थोड़ा सा धोखा दे दिया वो शॉर्ट टर्म में तो मैंने आपसे एक एक कोई बेनिफिट गेन कर लिया है लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या होगा मेरे आपसे ताल्लुक ही खराब होंगे आप बहुत सही फरमा रहे हैं ठीक है तो इन्हीं इन्हीं चीज़ों को देख के अगर हम देखें तो जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं ना उनमें ये एक खूबी है वो लॉन्ग टर्म सोचते हैं उनमें एक ऑनेस्टी है एक एक डेडिकेशन है एक कमिटमेंट है उनकी और अनफॉर्चुनेटली वो हमें वो डेवलप नहीं हो पा रही है उसी चीज़ को हमने डेवलप करना है उसी चीज़ को जिस तरह के आप हैं इस तरह के पॉडकास्ट कर रहे हैं इसी चीज़ को अगर हम उजागर करें लोगों में ना इसका शूर लेके जाए तो काफ़ी सारी चेंजेस आ सकती हैं ये एक बहुत लंबा प्रोसेस है लेकिन शुरुआत तो हमें कहीं ना कहीं से करनी है बेशक मौजूद स्वा तीनों हजरा इंसान के हाथ में कोशिश है जैसे कि बताया तनवीर साहब ने बिल्कुल सौलान दुरुस्त बात की है एग्री करूँगा मैं कि इंसान के हाथ में सिर्फ कोशिश है आपके हाथ में कोशिश है रिजल्ट नहीं है आपके हाथ में आप कोशिश नेक नियति से करें कंसिस्टेंसी इज अ की ऑफ सक्सेस मैं बार बार बोलता हूँ मुस्तकिल मिजाजी आप अपने अंदर लाएं हमारी नौजवान में मुस्तकिल मिजाजी नहीं है थोड़ी दिनों में अपसेट हो जाते हैं यार नहीं रिज़ल्ट मिल रहा कुछ और करते हैं तो वो जो छः महीने साल किया वो ज़ाया वो, वो फिर ज़ाया फिर आप बैक आपने ज़ाया कर दिया ऐसे ऐसे लोग मैं जानता हूँ जो मुल्क में गए पाँच साल बाद वापस आ रहे हैं ज़ीरो होके के पाँच साल क्या ज़ाया यार मर्जी है अगर आप पाँच पाँच साल अपनी ज़िंदगी के ज़ाया कर रहे हो ये आपकी मर्ज़ी है वरना मैं ये समझता हूँ पाँच साल बेहतरीन टाइम है एक अपना करियर बनाने के लिए बेहतरीन टाइम है सर बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का और उम्मीद करते हैं कि आप पाकिस्तान की हमेशा इसी तरीके से खदमत करते रहेंगे क्योंकि 92 में 90 में आपको पाकिस्तान की ज़रूरत थी आज पाकिस्तान को आपकी ज़रूरत है सर जान भी हाजिर है पाकिस्तान के लिए बहुत बहुत, बहुत शुक्रिया मज़र तीनों हज़रा पॉडकास्ट को अखताम करेंगे इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला तमाम बेरोज़गार नौजवानों को एक अच्छा सा रोज़गार अता फ़रमाए आमीन सुमा आमीन तनवीर साहब आज की पॉडकास्ट में थे मुझे और तनवीर साहब इजाज़त दीजिए इस अपनेपन के साथ कि अपना बहुत ख्याल रखिएगा अल्लाह